सो ये हम एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट इंडिया का नंबर वन जो कि हम कहते हैं हमेशा, और अभी बज रहे हैं रात के 10 और बजेंगे रात के 11-12, और यहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास। यहाँ पे हमारे जेईके के स्टूडेंट और ये चल रही है फ्लैशिंग, और आज हमारी क्लास है स्पेक्ट्रम। ये ले लो भाई, इधर कर लो सर। तो ये दोस्तों रात में हम लोग फ्लैशिंग वाली क्लास कभी कभी कर लेते हैं, और रात में अपडेट वाली क्लास भी करते हैं। तो यहाँ पर अभी स्पेक्ट्रम की क्लास, अभी हमने दूसरी फ्लैशिंग कर रहे हैं। पहले हमने 4G सेक्टर किया था स्पेक्ट्रम का, अब हम किसका कर रहे हैं, कीपैड। दोनों में फाइल कौन सी आएगी? अगर यही बात मैं करूँ की MTK का होता तो MTK में दोनों में स्कैटर नहीं आती, MTK में एंड्रॉइड में स्कैटर आती, पर कीपैड में कौन सी आती? .bin और .bin भी रीड की हुई फाइल आती। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर .tag की, तो .tag एक टेस्टेड फाइल है, क्योंकि इस मोबाइल में .bin फाइल भी आ सकती थी। कौन सी फाइल आ सकती थी? देखो जैसे हमने इसको निकाल दिया, अब देखो सिस्टम फाइल चल रही थी, अब ये फाइल, ये फोन चालू था, अब ये फोन क्या हो सकता है? तो हम इसको देखते हैं कि डेड होता है कि नहीं होता है। इसमें लाइटिंग कम है, कोई बात नहीं। तो देखिए हम यहाँ से ऑन कर रहे हैं, अब देखो फोन ऑन नहीं हो रहा है। देखो मैं पूरा दबा रहा हूँ, अब ये फोन कैसा चला गया है? और अब हम DC मशीन लाकर देखते हैं, तो DC मशीन लाएंगे तो आपको पता है ना कि क्या होने वाला है? यस सर, हमें पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है कि हार्डवेयर। तो ये डेड हो चुका है। अच्छा एक चीज है, ये कनेक्ट होगा पर एक कंडीशन में होगा कनेक्ट, तो यही सारी चीज हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये हमारा सेट डेड हो चुका है। अब वापस यहाँ पे स्टार्ट, अभी हमने स्टार्ट दबाए नहीं है, हम यहाँ से इसको थोड़ा खिसकाइए, स्टॉप करके ठीक है यहाँ पर। अब अभी आ जाओ बैठ जाओ तुम। अब लो भाई तुम्हें इसका सेट का देखना है, चालू करना है। अब सबसे पहले क्योंकि सेट हो गया है डैड, चालू नहीं हो रहा है, देखो चालू करके देखो, देखो सेट हो गया है डैड। सबसे पहले हमने यहाँ पे बटन दबा रहे हैं, यहाँ पर सेट हो गया डैड। अब सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्ट करके देखेंगे, क्या करके देखेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे कि वो कनेक्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और एक काम करते हैं, एक DC सप्लाई मशीन लेके आओ जरा, और ये लगा के देखते हैं कि दिखा क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर है हम एशिया टेलीकॉम, और आपको पहले भी बता रहे हैं फेसबुक में हम लोग ऐसी क्लास चलाते नहीं है, ये कुछ अपडेट है जो दिखाने थे बस। और यहाँ पर मेरी क्लास है भाई, हेलो हाय यहाँ पर आप सब लोग, हालांकि आप लोग दिख नहीं रहे होंगे यहाँ पर क्योंकि फिलहाल बहुत अंधेरा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्यों राजेश ऐसा क्यों है भाई? हाँ नहीं ठीक है, वैसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फ्लैश का वो भी, हाँ ये अब दिखाई दे रहा है। चलिए तो ये हमारे साथ में राजेश सर, और अभी आपने अगर नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ राजेश अपना चैनल का नाम नंबर बताओ। मौत का मंजिल लाला डेंजर आप सर्च कीजिए यूट्यूब में, क्या सर्च करना है? मौत का मंजर, मौत का मंजर, मौत का मंजर, सब्सक्राइब करना है। और अभी हम यहाँ पर अपडेट आए, और अगर आपको ये पूरी फ्लैशिंग समझना है तो यहाँ पर आ सकते हैं। सो हम लोग सीरियस भी होते हैं और फनी भी होते हैं, और सीरियस भी बहुत भयानक होते हैं, है ना? ठीक है, सो ये जानते हैं हमारे। चलिए और अब मैं यहाँ पे बस ये कहना चाहते हैं, बस इतनी देर के लिए आए थे और ये कुछ अपडेट है, और यहीं पे बाय बाय कहना चाहते हैं, और साथ में कहना चाहते हैं कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। क्यों भाई राजेश, मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल चलिए ठीक है, मानते नहीं सर, है चलो ठीक है, आ जाओ भाई राजेश, थैंक यू, बाय बाय कर दीजिए। अब एक बार ताली बजा दो इन्होंने, परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है, जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिल रहा है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है।
मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडियन अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो स्टेटस भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो तरकीब बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिलेगी, अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था आया था सर, रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर लें, मतलब हम बोले सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी यही बोलते हाँ हमें बोलना है कि हमें तो ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चूज चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड सर? 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के, मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल मुझे खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी, तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और भेजो मैंने। अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फ्रेंड्स को नहीं, कल कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं
और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पे आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.